Hello, my dear children. This is Shika Arora, and today we are going to start with class 8 science, chapter number 13 that is light. So, let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be the laws of reflection, regular and diffuse reflection, phenomenon of multiple reflection, refraction of light, the structure of human eye and its function, defects of human eye and their correction. Now, have a look on the warm up. नेम द ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स तो हम सबको पता है कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं थ्रू विच लाइट कैन ईजिली पास जस्ट लाइक अ ग्लास सो दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल एंड बटर पेपर फ्रॉम बटर पेपर द लाइट कैन पार्शली पास इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस और अगर हम वही बात करें वुड की तो वुड में से क्या लाइट पास हो सकती है नहीं हो सकती सो so, ये कैसा ऑब्जेक्ट है ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल आस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट थ्रू आवर आईज इज कॉल्ड लाइट सो लाइट यू ऑलरेडी नो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज हम कोई भी चीज़ तभी देख सकते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस आती है सो so, लाइट में क्या है लाइट हम किसी चीज़ को कब देख पा रहे हैं जब उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारी आंखों में पड़ता है दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सब्सटेंस इन टू आवर आईज इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एन ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू अस वैन इट कम्स इन बिटवीन द पाथ ऑफ लाइट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ लाइट मेक्स एवरी थिंग विजिबल टू अस वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं कुछ नेचुरल बॉडीज हैं जैसे कि सन है स्टार्स है दे एमिट देअर ओन लाइट एज इसलिए हम उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं लेकिन हमारे घर में ट्यूबलाइट्स है बल्ब है हमने उनको स्विच ऑन किया तो वो भी तो लाइट एमिट कर रहे हैं तो वो भी ल्यूमिनस कैटेगरी में ही आएंगे लेकिन वहीं अगर हम बात करें मून की तो मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है लेकिन वो तो शाइन करता है वो शाइन करता है बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन इसीलिए वो एक नॉन ल्यूमिनस है प्लानिट्स प्लानिट्स नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वहीं वुड की बात की जाए या कबड़ की टेबल की चेयर की तो ये लोग क्या कर रहे हैं दे आर नॉट एमिटिंग द लाइट सो दे आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट ऑन देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स they are also known as source of light heavenly bodies like sun star as well as man made things like torch bulbs are luminous objects the objects that do not emit light are called as non luminous objects and can be seen only in the presence of light objects like chairs tables books are non luminous objects the light from the luminous object fall on the non luminous object and after bouncing back from the surface of the object, it enters our eyes, making the non-luminous object visible to us. तो so चिल्ड्रन अगर हम एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में चले जाए जहाँ पे बिल्कुल भी रोशनी ना हो बिल्कुल ज़रा सा भी सोर्स ऑफ लाइट ना हो तो क्या आप उस रूम में मूव कर पाओगे नहीं कर पाओगे आप कभी टेबल से टकराओगे कभी चेयर से टकराओगे वो आपको दिखेंगे ही नहीं अब ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं था अगर वह पे हमने विंडोज ओपन कर दी जहाँ से सनलाइट अंदर एंटर करती है तो सनलाइट से हमें चेयर भी विजिबल हो रही है टेबल भी विजिबल हो गई ऐसा क्यों हुआ क्योंकि लाइट वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में बाउंस बैक करती है तभी कोई चीज़ हमें दिखाई देती है थ्री कंडीशन आर नेसेसरी फॉर अस टू सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो क्या है वो कंडीशंस पहली चीज की प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वहां पर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होना बहुत जरूरी है दूसरी चीज लाइट मस्ट स्ट्राइक द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो लाइट उस चीज के ऊपर जिसे भी हमें देखना है उस चीज को स्ट्राइक करके हमारी आंखों में रिटर्न होनी चाहिए द लाइट मस्ट बाउंस बैक फ्रॉम द सर्फस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रीच आवर आईज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो लाइट जो है यू ऑल नो इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन अगर आपने मॉर्निंग के टाइम में आप जैसे ही अपनी खिड़कियां खोलते हो कर्टन हटाते हो तो आप क्या देखते हो कि सन लाइट जो है आपके रूम में एंटर करती है तो वो कैसे एंटर करती है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट में ट्रांसमिट स्कैटर बी अब्जॉर्ब और बाउंस बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन ऑल्सो सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट सिमिलरली रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स कैन बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिल वॉटर्स वी सी ऑब्जेक्ट अराउंडर्स वेन द लाइट रिफ्लेक्टेड बाई देम एंटर्स आवर आईज जैसे हमने अभी बात करी थी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब वो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस आती है द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट फॉर्म्स तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा कि वो किस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका नेचर कैसा है जिसके ऊपर वो फॉल कर रही है भाई ट्रांसपेरेंट है तो वो तो अपने में से सारी ही लाइट को पास होने देगा ट्रांसलूसेंट है जैसे कि बटर पेपर हमने देखा था तो वो पार्शियल अमाउंट ऑफ लाइट को अपने थ्रू पास होने देता है बाकी लाइट को पास नहीं होने देता है एंड देन अगर हम ओपेक की बात करें तो जैसे कि वुड है कबर्ड्स चेयर्स तो ये अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते A a a smooth and a highly polished 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 surface 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 such as mirror mirror. reflects the light that falls on it. So, polished surface polished surface, just like a mirror. So, mirror light incident होगी जो लाइट आके मिरर को स्ट्राइक करेगी उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे Incident रे ray. Incident ray से ही हम बनाते हैं एक पेंडिकुलर लाइन जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल तो इंसिडेंट रे नॉर्मल क्या है बच्चों नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर विच वी ड्रॉ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर हमारी इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक करती है वहीं पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल अब हम क्या देखते हैं कि जो इंसिडेंट रे है आके हमारे पॉलिश सर्फेस पे स्ट्राइक करी उसके बाद वो यहाँ से ही बाउंस बैक हो जाती है एंड दिस बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम इस कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे अब इस रे को हम क्या बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे यही रिफ्लेक्टेड रे है जो हमें दिखाई देती है अब अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है एंगल बिटवीन एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और ऐसे ही एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन

कि जो रे आके पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेज ऑफ आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो जगह है जहाँ पर इंसिडेंस रे आकर स्ट्राइक करती है द पॉइंट एट विच द इंसीडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज द सेम पॉइंट वेयर द रिफ्लेक्शन रे ऑरिजिनेट्स और नॉर्मल क्या है हमने भी बात करी थी नॉर्मल होता है पर्पेंडिकुलर मीन्स नाइन्टी डिग्री का जब हम लाइन बनाते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे प्लेन अ फ्लैट टू डायमेंशनल सर्फिस विदाउट एनी थिकनेस इज कॉल्ड अ प्लेन नॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चिल्ड्रेन अभी जो हमने डाइग्राम देखा इससे हमें दो लॉज मिलते हैं रिफ्लेक्शन के पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा दूसरी बात कि हमारी जो इंसिडेंट रे है हमारी रिफ्लेक्टेड रे है एंड द नॉर्मल ऑल ऑफ द डीज थ्री लाई इन द सेम प्लेन ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करेंगे द फर्स्ट लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस आप देख सकते हो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये दोनों आपस में इक्वल है देन सेकेंड लॉ इज द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन बच्चों हमने अभी क्या देखा था कि जब हमने एक एंगल पे इंसिडेंट रे बनाई थी हमने एक एंगल लिया था जिस पे हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ करी दिस इज योर इंसिडेंट रे तो ये एक एंगल बना रही है किसके साथ नॉर्मल के साथ तो सेम एंगल हमारा बन जाता है रिफ्लेक्टेड रे का भी लेकिन अगर हमारी इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल को ही पास करे तो अगर 90 डिग्री पे ही हमने इंसिडेंट रे बनाई हो तो फिर क्या होगा तो रिफ्लेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जाएगा मींस द रे विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ कि जैसे आई है वैसे ही उसी पाथ पे वो रिटर्न हो जाएगी सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर वी ऑल नो इस केस में एंगल विल बिकम जीरो डिग्री वेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स आर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस नॉर्मली The reflected ray retrace the path in the backward direction. In this case, I is equals to R is equals to 0 degree. Now, see an activity, children. Fix a drawing sheet on a drawing board. Draw a straight line mm on the drawing sheet. Place mirror along line mm and mark point O. As shown in figure, draw a normal on ON and the line AO represents the incident ray. Take two pins and fix them at point X and Y. Online AO. Now from the other side of the normal, observe the image of pins XY in the mirror so that these image appears in a straight line. Fix the two pins X and Y on the drawing sheet while viewing along the straight line appearing on the mirror. तो आप क्या करोगे? आप एक सीधी लाइन खींचोगे, इसको हम नाम देंगे M M-। और यहाँ हम एक मिरर रखेंगे। फिर हम इंसिडेंट रे ड्रा करेंगे। और वहाँ पर ही हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट रे पे हम दो पिनस लगाएंगे और फिर मिरर में से ही देखेंगे उनकी इमेजेस तो उनकी इमेजेस पे भी हम पिन लगा लेंगे नाउ रिमूव द पिन एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन बी ओ तो अब आप पिन हटा देंगे और उसके बाद लाइन्स को ड्रॉ करेंगे द रे ए ओ रिप्रेजेंट द इंसिडेंट रे तो ए ओ क्या रिप्रेजेंट कर रही है इंसिडेंट रे और लाइन बी ओ क्या रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्रैक्टेड रे मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करो क्योंकि आप नॉर्मल बना चुके हो और ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम मेजर करेंगे डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो रिकॉर्ड रिपीट द एक्टिविटी फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस वॉट कैन यू इन्फोर अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस एक्टिविटी तो इससे हमें क्या पता चलेगा इससे हमें ये पता चलेगा कि हम जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना भी लेंगे उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आएगा सो दिस शोज दैट एंगल आई विल ऑलवेज भी इक्वल टू एंगल आर तो आप यहाँ like पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस लेंगे लाइक फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री और यहाँ पर एंगल ऑफ़ रिफ्लेक्शन उनका मेजर करके लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर वी सी अ प्लेन मिरर एवरी डे भाई आपके घर में मिरर लगे हुआ है उसमें आप अपनी इमेज रोज ही देखते होगे है ना तो क्या आपको अपनी इमेज छोटी दिखाई देती है या बड़ी दिखाई देती है या आप उस मिरर में पतले लगते हो मोटे लगते हो अपने साइज से ज़्यादा लगते हो ऐसा तो नहीं है सो मिरर फॉर्म्स अ इमेज विच इज़ ऑफ द सेम साइज़ एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट This happens because light passes from you to mirror and bounces back to your eyes. Image produced by a plane mirror has number of properties जैसे कि image formed is upright हम बिल्कुल अपनी सीधी image मिलती है क्या हमें हमारी उल्टी image मिलती है नहीं मिलती हमें हमारी सीधी image मिलती है that is erect image मिलती है upright image मिलती है image is also same size as that of object. तो अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो इमेज है वो भी सेम साइज की ही होगी अब इसके अंदर हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती सो so, इमेज कैसी हुई इमेज हुई वर्चुअल इमेज इमेज इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी है बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बन रही है द इमेज इज वर्चुअल मीनिंग इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन स्क्रीन हमारी जो इमेज है मिरर में जो हम देख रहे हैं वो स्क्रीन पर कैप्चर नहीं हो सकती इसलिए इमेज कैसी है वर्चुअल इमेज है देर इज नो एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट रेज इन अ प्लेन मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियर्स टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा तो इसे ही हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन लेटरल इन्वर्जन में क्या है कि आप Uh, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको राइट right में दिखाई देता है और राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट में दिखाई देता है सो दिस इज ओनली कॉल्ड एज लेटरल इनवर्जन नाउ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज चिल्ड्रन रियल इमेज वो होती है विच कैन बी ऑप्टेंड ऑन अ स्क्रीन और वर्चुअल इमेज जो होती है इट कैन नॉट बी ऑप्टेंड ऑन अ स्क्रीन रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड इनवर्टेड मतलब उल्टी होती है लेकिन वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है सीधी अपराइट रहती है तीसरी चीज के रियल इमेज में लाइट रेज एक्चुअली मीट लेकिन वर्चुअल इमेज में दे डू नॉट मीट दे अपीयर टू मीट इट कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड इट इज ऑलवेज इरेक्ट बट लेटरलीड इट इज फॉर्म व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन

तो वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वेन पैरल लाइट रेज फॉल ऑन अ स्मूद एंड पॉलिश द रिफ्लेक्टेड आर टू ईच अदर दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें कैसे दिखेगा कि हमारी रेज जो है वो पैरल आएंगी ऐसे करके स्ट्राइक करेंगी और ऐसे ही यहां से पैरल ही आउट कर जाएंगी सो दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन वेन पैरल रेज फॉल ऑन अ रफ सर्फेस वहीं अगर हमारे पास एक रफ सर्फेस है और इसके ऊपर लाइन स्ट्राइक करती है तो वो कैसे मूव करेंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी सो दिस इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इन दिस केस द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरल टू ईच अदर जैसे आप देख सकते हो इन दोनों ही डाइग्रोस में जब पैरल रेज आई है तो वो पैरेलल ही वापस चली गई और जब हमारा रफ सरफेस है तो आई तो वो पैरेलल थी बट वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में बाउंस बैक कर गई मल्टीपल इमेजेस चिल्ड्रन अगर हम मिरर्स एक से ज्यादा मिरर को यूज करते हैं तो हमारी जो इमेजेस बनती हैं वो मल्टीपल इमेजेस बनती हैं ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शंस मल्टीपल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर

इवन जब हम वहाँ ट्राई रूम में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें हमारी ज़्यादा इमेजेस दिखाई देती है इट इज़ बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ मोर देन वन मिरर तो जब हमारी एक मिरर से इमेज बनती है वो इमेज एक्ट करती है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड मिरर तो सेकेंड मिरर भी हमारी इमेज बनाएगा फिर ये वाली इमेज थर्ड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का, का काम करेगी ऐसे करके हमारी मल्टीपल इमेजेस जो है वो हमें दिखाई देंगी इन अदर वर्ड्स रिफ्लेक्टेड इमेज और लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन देर इज द डेफिनेट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म एंड द एंगल बिटवीन टू मिरर्स तो वो रिलेशन क्या है वो रिलेशन है नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी अपॉन डिग्री ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर्स माइनस वन तो इसे आप इस फॉर्मूला में पुट करके जो भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हम यूज करते हैं पुट करके हम बता सकते हैं कि हमारी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी बनेगीपीडिया सी चिल्ड्रन द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीड्स टू बी ओनली हाफ द हाइट ऑफ अ पर्सन फॉर देम टू सी देयर एंटायर रिफ्लेक्शन नाउ एक्टिविटी टू टू लर्न हाउ मल्टीपल इमेज आर फॉर्मड वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू एडजस्टन मिररर्स पोजिशन एट एन एंगल तो इसके लिए हमें क्या चाहिए इसके लिए हमें टू रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ प्लेन मिरर चाहिए एक बुकलेट और एनी अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट और एक एडेसिव टेप तो हम प्रोसीजर में क्या है चिल्ड्रन प्लेस टू मिरर्स फेस टू फेस एक दूसरे के सामने रखेंगे एंड द स्ट्रिप ऑफ ऑफेसिव टेप फिक्स ऑफ द मिरर आर प्लेस्ड ऑन टेबल द टेप पोर्शन विल एक्ट एज हिंज Allowing the mirrors to be moved as needed, using the right angle triangle for or set square from your geometry box, adjust the mirrors to form a 90 degree angle between them. तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया है और इसके बीच में हमने एक छोटी सी नेल पॉलिश की बोतल को रखा है तो हम यहाँ पे नेल पॉलिश की मल्टीपल इमेज को देख सकते हैं हाउ many images ऑफ द ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द mirror?

एक्चुअली जो वर्ड है वो ग्रीक में इन्वेंट हुआ था एंड इसका मतलब होता है कैलोस मीनिंग ब्यूटिफुल ईडोज मीनिंग फॉर्म एंड स्कोप्स मीनस वॉचर देर फोर द टर्म मीन्स ब्यूटिफुल फॉर्म वॉचर दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इट कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन मिरर तो इसमें तीन मिरर्स होते हैं जो कि प्लेस किए जाते हैं एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री फ्रॉम ईच अदर जैसे कि आप इस इस ट्यूब में देख सकते हो दे आर मेकिंग एन एक्यूलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री का एंगल हर मिरर के बीच में है एट द एंड ऑफ द ट्यूब द लाइट एंडर्स तो एक तरफ से हम यहाँ से लाइट को एंटर करने देते हैं वाइल द अदर एंड शुड प्रेफरेबली मेड ऑफ ग्राउंड ग्लास ऑन विच पीसेज ऑफ ब्राइटली कलर्ड बैंगल्स और बीड्स कैन बी स्कैटर तो इसके अंदर हम बीड्स को या बैंगल्स को स्कैटर कर सकते हैं ड्यू टू एंगुलर प्लेसमेंट ऑफ द मिरर्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म तो यहाँ पर जो आपने बीट्स डाली हैं या बैंगल्स डाले हैं उनकी इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं और जैसे ही हम इसको ट्विस्ट करते हैं या रोल करते हैं तो इमेजेस चेंज हो जाती हैं सो so, इसमें बहुत सारे टाइप के डिज़ाइंस जो है हम देख सकते हैं सो इट इज़ लाइकली कि हम उसमें पीसेस जो हैं वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे और जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न जो है हर बार देखने को मिलेंगे द क्लीडोस्कोप वॉज इन्वेंटेड मोर देन टू फिफ्टी ईयर अगो सर डेविड ब्रूस्टर रिफाइंड इट इन टू हेल्प कार्पेट मेकर वॉलपेपर ड्रेस मटीरियल अनदर इम्पोर्टेंट डिवाइस विच कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज पेरिस्कोप तो पेरिस्कोप कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। इट वॉज इन्वेंटेड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड टू बाई सिमन लेक एंड लेटर परफेक्टेड बाई स हावर्ड ग्रब दिस इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स टू प्लेन मिरर्स तो इसमें सिर्फ दो ही प्लेन मिरर्स होते हैं जो कि प्लेस किए जाते हैं एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री टू द वर्टिकल इन कैलिडोस्कोप द मिरर्स आर प्लेस टचिंग अदर क्लेडोस्कोप में हमने क्या देखा था कि मिरर्स एक दूसरे के साथ में अटैच थे बाय एंगल ऑफ़ 60 डिग्री लेकिन पर दो मिरर्स का हम यूज कर रहे हैं और दोनों को ही हम अलग अलग पोजिशन पे रखते हैं दे आर प्लेस एट अ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इलो ट्यूब द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्ट एज मिरर तो आप देख सकते हो ये है हमारा एक पेरिस्कोप और यहाँ पर हमने लगाए हैं अपने दोनों मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री द मेन यूज ऑफ पेरिस्कोप इज इन सबमरीन्स हम सबमरीन्स में इसको यूज कर सकते हैं कि वाटर के सरफेस पे क्या-क्या हो रहा है क्या-क्या गतिविधियाँ हो रही हैं उन सबको देखने के लिए हम इजीली पेरिस्कोप का यूज कर सकते हैं व्हाइल द वेसल इज सबमर्ज द पेरिस्कोप इज यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव द सरफेस ऑफ द वाटर दिस इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो भी यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स फॉर एग्जाम्पल अब देड ऑफ अ क्राउड द इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट मिररर इज़ वर्चुअल तो जो पहली इमेज बनती है फर्स्ट मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है एंड लेटरली इन्वर्टेड ये इमेज सर्व करती है एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दी अदर मिरर प्रड्यूस अ वर्चुअल एंड लेटरलीमेज तो ये भी मेर जो है एक लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है एज अ फाइनल इमेज इज नॉट लेटरली इन्वर्टेड लेकिन जो इमेज हमारी आंखों में आती है वो लेटरली इन्वर्टेड नहीं होती वो सीधी ही इमेज हमारी आंखों में बनती है लुक ऑन ट्रैक यूर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन फिल इन द ब्लास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन angle of incidence is dash to angle of reflection you all know the answer answer is equal dash creates illumination so light creates illumination a periscope is an instrument based on the principle of multiple reflections रिफ्रैक्शन नाउ चिल्ड्रन हमने देखा था रिफ्लेक्शन कब होता है जब इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाए करते हैं लेकिन अगर हम मीडियम ही चेंज कर दे तो अगर हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को लेके जाएं, तब जो होता है तब जो लाइट का रिएक्शन होता है या मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन When light enters a glass of water, it bends slightly at the surface. अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो air है, air is a rarer medium. Rarer medium का मतलब क्या है? कि speed of light जो air में है, वो ज़्यादा है. So air is a rarer medium. लेकिन जब वो glass में enter करती है, तो speed of light is different in case of glass. तो glass कैसा medium हो गया? Glass एक denser medium हो गया. तो जब light ray एंटर करती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ रेर मीडियम टू मीडियम तो वो बेंड करती है द नॉर्मल ये बात समझ आई इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो इंसिडेंट रे है जिसको बाउंस बैक करना चाहिए था अब ग्लास क्या है ग्लास तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है यहां से लाइट बाउंस बैक नहीं होगी रिफ्लेक्ट नहीं होगी यहाँ पे लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी मीन्स इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम ग्लास जो है वो डेंस है एज कंपेयर टू एयर इसलिए वो मीडियम कैसा हुआ डेंसर हुआ यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो रेस uh, कहाँ से एंटर कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाती हैं तो दे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और वहीं अगर हम बात करें ग्लास की अगर ग्लास से लाइट रेज आ रही है एंड दिस इज योर नॉर्मल तो क्या होगा डेंसर मीडियम से अगर एयर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये नॉर्मल से दूर जाएगी दिस इज योर इंसिडेंट रे सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल नाउ डिस्पर्स ऑफ लाइट चिल्ड्रन देख सकते हैं जैसे कि आपने देखा होगा प्रिज्म की ही शेप के हैं तो इट इज लाइक दिस अगर हमारी रे ऑफ लाइट पास करती है प्रिजम से तो प्रिज्म के ऊपर अगर आप व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हो तो यहाँ पे भी नॉर्मल बनेगा और उसके बाद यहाँ से भी रिफ्रैक्शन होंगे और उसके बाद आपको जो लाइट मिलती है इट विल बी डिस्पर्ज इन टू सेवन डिफरेंट कलर्स लाइट जो है वाइट लाइट जो है वो स्प्लिट कर जाएगी सेवन डिफरेंट कलर्स में एंड वी विल ऑबेन अ स्पेक्ट्रम ऑन द स्क्रीन तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमें सेवन डिफरेंट कलर्स की लाइट दिखाई देगी दैट मीन्स हमारी जो वाइट लाइट है वो सात डिफरेंट कलर्स की मिलके बनी हुई है और उनको ये जो बैंड ऑफ कलर्स हमें मिला है इसे हम बोलते हैं विबग्योर वायलेट इंडिको ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड दैट मेक्स द विबग्योर एंड दिस स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू सेवन कॉन्स्टिटेंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिपर्जन ऑफ लाइट अ रेनबो अपियर इन द स्काई एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो अगर आपने नोटिस किया हो या इवन आप व्हाइट लाइट को स्प्लिट करते हुए देखना चाहते हो तो आपके पास रूलर है आपके जो मेट्रिक बॉक्स में रूलर होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ है ट्रांसपेरेंट है आप उसे व्हाइट लाइट की तरफ एडजस्ट करके देखो अपनी जो ट्यूब लाइट है उसको देखने की कोशिश करो तो आप क्या देखोगे कि इट विल ब्रेक द वाइट लाइट इन टू मल्टीपल कलर्स ऐसे ही जब रेनबो अपियर होता है स्काई में तो वहां पे क्या हो रहा है वहां पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है यू you नो know, कि रेनबो कब निकलता है जब सन जो है वो स्काई में होता है उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर प्रेजेंट है वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं दे एक्ट एज प्रिज्म फॉर दिस सन जो लाइट सन से आ रही है उसके लिए ये प्रिज्म का काम करती हैं इसीलिए ये वाइट लाइट को सेवन कलर्स में ब्रेक डाउन कर देती हैं या स्प्लिट कर देती हैं और हमें आसमान में रेनबो बनता हुआ दिखाई देता है

These seven colors when combined again merge to form the red white light now see an activity children to disperse white light a plane mirror lenge bowl lenge or water ling fill the bowl with water and place the mirror in it position this arrangement in sunlight near a window adjust the bowl's position so that reflected light from the mirror falls on the wall or a white screen स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवन कलर्स कट आउट अ सर्कल फ्रॉम अ पीस ऑफ कार्ड एंड पेंट इट विद द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम जैसे कि रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिको एंड वायलट स्ट्रिक अ पेंसिल अलोंग द मिडल ऑफ द कार्ड एंड स्पिन इट तो जब आप इसको स्पिन करोगे तो आप क्या देखोगे कि हमें वाइट लाइट दिखेगी हमें लगेगा कि वो व्हाइट है इतने सारे कलर्स नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये सारे ही कलर्स जब एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं दे मेक वाइट लाइट द ह्यूमन आई आर आईज आर डिजाइन टू ब्रेन तो हमारी जो जो आईज है चिल्ड्रन उसके अंदर भी एक लेंस लगी होती है कौन सी लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस है ये जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है ना उसको ये कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे जो कि आइस में लोकेटेड होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिना फिर रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व जो है हमारी ऑप्टिक नर्व मतलब जो हमारी आंख से जो नर्व निकलती है वो इसे लेकर जाती है ब्रेन तक एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन इसे रीड करता है और वापस से ऑप्टिक नर्व को भेजता है ताकि हमारी आंख जो है वो उस चीज़ को देख सके द आई कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट एज कम्पेयर टू अमेरा स्ट्रक्चर ऑफ आई आई इज फेरिकल इन शेप द ह्यूमन आई इज टाइनी अप्रोक्सिमेटली टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इन लेंथ द आईलेट एक्ट एज शटर ऑफ द आईज है आई बॉल तो जो आईलेट है आपकी आंखों में वो जैसे ही धूल आ रही है ये बहुत तेज सनलाइट आ रही है आपकी आंखें बंद हो जाती है ना तो क्योंकि आईलेट जो है शटर सराउंडेड बाय अ वाइट फ्लूड द आउटर पार्ट ऑफ द आईज इज टफ टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट फ्रॉम शॉक एंड एक्सीडेंट्स तो यहाँ आप देख सकते हो यह है एक आय का स्ट्रक्चर दिस इज द कॉर्निया कॉर्निया क्या होता है द थिन ट्रांसपेरेंट टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड एज कॉर्निया कॉर्निया प्रोटेक्ट द इनर डेलीकेट स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड हेल्प इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो कॉर्निया हमारे आँख के अंदर के जितने भी डेलिकेट पार्ट हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है देन इज़ आयरिस आयरिस इज़ द कलर्ड पार्ट ऑफ योर आइज़ आपने देखा होगा किसी 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 की आंखें ब्राउन होती हैं किसी की ग्रीन होती हैं ब्लू होती है, हम कहते हैं ना इसकी आइज तो ब्लू है दैट मीन्स वो उसका कलर्ड पार्ट है दैट इज़ द आयरिस ऑफ इज आइज़ यही वो पार्ट होता है जो कि आंख का कलर्ड पार्ट होता है आयरस इज कल पार्ट बिहाइंड कॉर्दियाँ विच कैन बी ब्लू ग्रीन ब्राउन और हेजल द कलर ऑफ आयरस इज रिलेटेड टू द पिगमेन प्रेजेंट इन इट फंक्शन ऑफ द आयरस इज टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपल थ्रू कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स मसल तो आयरस क्या करता है आयरिस प्यूपल का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करता है एंड वॉट इज प्यूपल प्यपल इज अ स्मॉल अपर्चर थ्रू विच लाइट रेज एंटर इन टू द आईज जैसे ही आप बहुत तेज सनलाइट में जाते हो तो चिल्ड्रन आप क्या करते हो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो है ना ऐसा क्यों करते हो क्योंकि पीपल जो है वो अपने आप को कंट्रैक्ट कर लेता है ताकि ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट एंटर ना कर जाए आंख में और आंख को डैमेज ना कर दे और वहीं अगर हम डिम लाइट में जाते हैं तो हम अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल के देखने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि पीपल जो है इस समय अपने आप को डायलेट करता है एक्सपैंड करता है ताकि मोर अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू द आईज द पीपल इज डार्क होल इन द आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई द पीपल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्राम इट वेन लाइट इज ब्राइट दीपल कंट्रैक्ट टू अलाउ लेट थ्रू इन कंट्रास्ट इन डार्कनेस दीपल एक्सपैंड लाइट टू रीच द बैक ऑफ योर आईज देन यू हैव अ लेंस पीपल के पीछे ही हमारी आई लेंस प्रेजेंट है जो कि ट्रांसपेरेंट है जेली लाइक है लाइट दैट पास थ्रू पीपल इन द आई तो मैंने आपको अभी बताया था कि हमारी जो आई लेंस है वो कैसी है वो कन्वेक्स लेंस है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस होती है ये लाइट रेस को कन्वर्ज करती है एट अ पॉइंट कॉल्ड एज रेटिना बाय बेंडिंग द लाइट रेस तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा रिफ्रैक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि लाइट से से ट्रैवल ट्रैवल कर रही है? से करती है एयर करती और फिर जाकर हमारी लेंस जो कि एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक ग्लास की तरह मटेरियल है उसको जाके ये पियर्स करती है उसके थ्रू मूव करती है सो तो यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का इट इज हेल्ड इन पोजिशन बाई सीलरी मसल्स तो जो लेंस है वो कभी हमारी डायलेट होती है कभी रिलैक्स करती है अकॉर्डिंग टू द लाइट एंटरिंग या कितनी दूरी पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसे देखने के लिए तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारी आंखों में प्रेजेंट होती हैं सीलियरी मसल्स विच हेल्प इन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस रेटिना द लाइनिंग बिहाइंड आई बॉल इज कॉल्ड रेटिना रेटिना इज सेंसिटिव टू लाइट एंड टू टाइप ऑफ रिसेप्टर सेल्स अब जो रेटिना है ये लाइट सेंसेटिव है इसके अंदर दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक को हम बोलते हैं रॉड्स और एक को बोलते हैं कोन्स तो रॉड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है रोडॉपसिन और वहीं कोन्स में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है आयोडॉपिन देंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना नोन एज द येलो स्पॉट और मैक्यूला कंटेन्स ओनली कोन सेल्स यहाँ पर सिर्फ कोन के ही सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए ये जो रीजन है, है. तो है ये यहाँ पे बेस्ट विजन होता है द रेस्ट ऑफ द रेटना हैज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रोड्स एंड कॉन सेल्स रॉड्स इन द रेटना आर सेंसिटिव टू लो लाइट तो जो रॉड्स होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं कम लाइट में तो वेर एज द कोन्स टू लाइट ऑफ हायर इंटेंसिटी इसीलिए अगर आप देखो रात को अगर आप डॉग देखते हो या काव देखते हो तो उनकी आंखें कैसी होती है ग्रीनिश ग्रीनिश दिखाई देती हैं या चमकती हुई दिखाई देती है ऐसा क्यों है क्योंकि उनकी लाइन आंखों में रॉड्स जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ताकि वो डिम लाइट में इजिली देख सके सेल्स गेट अफेक्टेड बाई लाइट एंड जनरेट इम्पल्स कन्वर्टिंग लाइट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर लेटर सेंड डाउन टू ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन The brain interprets these signals and transmit message telling us what we have seen. तो फिर आती है ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक नर्व वो है जो हमारी आइज में से जो हमने देखा है उसकी इंपल्स को लेकर जाती है ब्रेन तक ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद ऑप्टिक नर्व से वापस आइज में भेजता है ताकि हमारी आंख उस चीज को देख सके ब्लाइंड स्पॉट एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटेना देयर इज द नो सेंसरी सेल तो ब्लाइंड स्पॉट में कोई सेंसेशन नहीं होते कोई सेंसरी सेल्स नहीं होते यहां पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता एंड सो नो विजन अकर एट दिस दिस पॉइंट, इज कॉल्ड एज नाउ वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई चिल्ड्रन वेन वी लुक एट एन ऑब्जेक्ट द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंटर आर आईज पास करती है पीपल से आयरिस कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट की लाइट हमारी आंख में एंटर करनी चाहिए फिर क्या होता है जो ये लाइट रेज हमारी आंख में एंटर करी हैं ये फॉल करती हैं आई लेंस पे अब आई लेंस कैसी है हमारी कन्वर्जिंग लेंस है इसीलिए वो सबको कन्वर्ज करके कहा भेजती है रियल और इमेज बनाती है कहां पर रेटिना पे द द मसल्स हेल्प इन एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस सो दैट इमेज कैन बी फॉर्मड ऑन रेटिना वेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन रेटिना अब यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है कौन कौन से हैं वो है रॉड्स एंड कोन्स अब वो इमेज की सेंसेशन को जेनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेकर जाती है ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स दिस इलेक्ट्रिकल टू इनटू एन इमेज दैट वी सी इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन ब्लाइंड स्पॉट अगर हमारी इमेज जो है रेटिना पे ना बन के ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा सो so, सबसे पहले क्या हुआ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर करा कॉर्निया ऑफ द आई कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर इज द लिक्विड पार्ट विच इज प्रेजेंट देन इट मूव थ्रू प्यूपल प्यूपल से गई लेंस में लेंस के बाद आया विट्रिस ह्यूमर देन रेटिना विथ सेंसिटिव सेल्स कन्वर्ट इन टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के पास लेके गए ऑप्टिक नर्व उसको ब्रेन तक लेके गई और ब्रेन ने विजुलाइज करके बताया कि ऑब्जेक्ट कैसा है देखने में पावर ऑफ अकोमोडेशन द ह्यूमन आई हैज़ हैजनिक अबिलिटी टू क्विकली एडजस्ट इट सेल्फ टू सी नियरली एंड ऑब्जेक्ट्स इन क्विक सक्सेशन तो चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो हम पास की चीज़ भी बहुत आसानी से देख सकते हैं और बहुत दूर की चीज़ भी हम देख पाते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन वेन वी लुक एट अ नियर बाय ऑब्जेक्ट जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट में देखते हैं तो जो सीलरी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाती हैं कंट्रैक्ट हो जाती है तो जो हमारी आई लेंस है वो बल्ज कर जाती है डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई दिस वे वी फील्स स्टेन ऑन द आईज इसीलिए जब आप बहुत पास से या बहुत छोटी सी कोई चीज देखते हो तो आपको आंखों में दर्द महसूस होता है वाई ट्राइंग टू कंसेंट्रेट ऑन माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स वेन वी सी अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और जब हमें कोई दूर की चीज़ देखनी होती है तो हमारी सीलरी मसल्स क्या करती हैं ये रिलैक्स करती हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो आँख की लेंस है वो एक्सपैंड करती है, है या वो थिन हो जाती है फ्लैट हो जाती है जिसकी वजह से फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है दस वायर सींग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी फील वी नेवर फील एनी स्ट्रेन ऑन द आई दिस अबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ is termed as पावर ऑफ accommodation और मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस थ्रू विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट is 25 फाइव सेंटीमीटर इससे ज़्यादा पास अगर हम कोई चीज़ ले आएंगे अगर हमें बुक रीड करनी है तो इट शुड बी एट अ डिस्टेंस ऑफ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अगर हम आँख के बिल्कुल पास में बुक को ले आएंगे तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देगी दिस मिनिमम डिस्टेंस इज़ नोन एज द नियर पॉइंट और द लीज डिस्टेंस ऑफ विजन

If an image is placed by another image, 1/15th of a second, it creates a illusion of continuity. This phenomena forms the basis of animation and cinematography. तो चिल्ड्रन इसके लिए हम एक ये एक्टिविटी देख सकते हैं, to demonstrate that eye perceive the object as moving. तो हमें क्या चाहिए? इसके लिए हमें दो कार्डबोर्ड चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए और पेन चाहिए. Take a square cardboard and make two holes in it. Draw a cage on one side of the cardboard and parrot on the other side. Tie the string through both the holes. Now twist the string and makes the cardboard twirl rapidly. आपने कार्डबोर्ड के एक साइड में तो पैरट ड्रॉ किया है और दूसरी साइड में केज और अब हम इस कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से रोटेट करेंगे तो जब हम इसको रोटेट करेंगे ना तो हमें ऐसे लगेगा जैसे पैरट जो है वो केज के अंदर ही प्रेजेंट है इट इज़ बिकॉज ऑफ द persistence ऑफ विजन

इट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ बाई फोकल लेंस सो चिल्ड्रन सी डिफेक्ट्स ऑफ विजन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भाई न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लेते हैं या एज की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारे विजन में डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स विच विच वी कैन सी इन आवर विजन तो वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पुअर रीडिंग हैबिट्स एज एंड जेनेटिक फैक्टर कैन समटाइम कॉज विजन डिफेक्ट्स केयरलेसनेस टुवर्ड्स आईज कैन आल्सो लीड टू द विजन डिफेक्ट्स अभी देखते हैं कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं पहला है शॉर्ट साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस मतलब हमें पास की चीज तो बहुत आसानी से देख जाएगी लेकिन दूर की चीज़ हम साफ नहीं देख पाएंगे तो ऐसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं मायोपिया

तो मायोपिया को क्लियर करने के लिए हम कौन सी लेंस यूज करेंगे हम यूज करेंगे कनकेव लेंस तो हम ऐसे स्पेक्टिकल्स पहनेंगे जिसके अंदर कनकेव लेंस लगी होती है टू टू क्योर द शॉर्ट साइटेडनेस दे कैन वेयर स्पेक्टिकल्स विद ऑफ़ कनकेोप्रिएट फोकल लेंस टू करेक्ट मायोपिया देन लॉन्ग साइटेडनेस चिल्ड्रन लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर क्या होता है कि हम दूर की चीज़ तो बहुत आसानी से देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ हमें साफ दिखाई नहीं देती तो ज़्यादातर जैसे आपने बुज़ुर्गों में देखा होगा आपके दादाजी हैं दादी जी हैं वो पास की चीज़ें बहुत ईजिली नहीं देख पाते हैं तो वो किस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं लॉन्ग साइटडनेस से जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं सम पीपल कैन सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे क्लियरली बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लड दिस डिफेक्ट जनरली अकर्स इन ओल्ड एज वेन दीलरी मसल्स बिकम वीक एंड आर अनएबल टू थिंक इन द आई लेंस दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इट कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग अ स्पेक्टिकल्स विद कन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट फोकल लेंस तो इस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए हम कौन से लेंस यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस देन देर इज अ कैटरैक्ट कैटरैक्ट जिसको हम मोतिया बिंद भी हिंदी में बोलते हैं बच्चों ये ज़्यादातर ओल्ड एज में लोगों को हो जाता है द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी और ओपेक लीडिंग टू ब्लर्ड और डिम डिविजन तो इसकी वजह से क्या होता है कि विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाता है इफ़ नॉट करेक्टेड इन टाइम इट कैन लीड टू लॉस ऑफ विजन इसीलिए इसे हमें ऑपरेट कराना पड़ता है नहीं तो पूरा विजन ही खत्म हो सकता है कैट्रैक्ट कैन बी ट्रीटेड सर्जिकली और थ्रू लेजर सर्जरी बाय रिप्लेसिंग द आई लेंस विद आर्टिफिशियल लेंस तो आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल आय है नॉर्मल आय में ये कौन सी लेंस लगी हुई है ये है कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस जो है क्या कर रही है रेटिना पे राइट right रेस को कन्वर्ज कर रही है कन्वेक्स लेंस कैसी होती है कन्वर्जिंग लेंस होती है ठीक है और ये आप देख सकते हो मायोपिया मायोपिया में क्या हो रहा है कि जो हमारी इमेज रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना से पहले बन रही है इसीलिए हमें दूर की चीज जो है वो साफ नहीं दिखाई देती और ऐसे ही इसको जब हम क्योर करते हैं तो क्योर करने के लिए हम कौन सी लेंस यूज करेंगे कंकेव लेंस तो कनकेव लेंस कैसी होती है कनकेव लेंस होती है डाइवर्जिंग लेंस तो वो क्या करेगी जो लाइट रेज आ रही हैं दूर से उसको डाइवर्ज कर देगी डाइवर्ज करके वो गिरेंगी कहाँ पर कन्वेक्स लेंस पे आपकी आइस की और फिर कन्वेक्स लेंस उसको ईजीली कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बना सकती है और शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो क्योर किया जा सकता है और ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया में देखो चिल्ड्रन क्या होता है कि लोग पास की चीज नहीं देख पाते तो क्या हो रहा है इमेज कहाँ बन रही है रेटिना के पीछे बन रही है इसीलिए उनको वो चीज धुंधली दिखाई दे रही है तो हम इसके लिए कौन सी लेंस यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम यूज करेंगे कन्वेक्स लेंस अब कन्वेक्स लेंस कैसी होती है ये होती है कन्वर्जिंग लेंस तो ये लाइट रेस को कन्वर्ज करके डालेगी आपकी आई लेंस पे जो कि अगेन कन्वेक्स लेंस है और फिर कन्वेक्स लेंस जो है उसकी इमेज जो है वो रेटिना पे बनाएगी कलर ब्लाइंडनेस चिल्ड्रन हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कलर्स के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते जो नहीं बता पाते कि कलर रेड है या ग्रीन है ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंड तो कलर ब्लाइंडनेस कैन बी ड्यू टू जेनेटिक जेने फैक्टर्स हेरिडिट्री भी हो सकता है ये और या फिर किसी डिजीज की वजह से भी कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है अ कलर विजन डिफिशेंसी आर नोन एज कलर ब्लाइंडनेस इज अनेबिलिटी टू परसीव डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ कलर्स दैट अदर्स कैन डिस्टिंग्विश इट इज मोस्ट ऑफन ऑफ जेनेटिक जेनेटिक होती है ज्यादातर है ये डिजीज बट कभी कभी ब्रेन में डैमेज हो जाए या आंख को कोई डैमेज हो जाए एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स हो जाए तो भी ये जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है हो जाती है जॉन डेल्टन अ वेल नोन साइंटिस्ट वॉज कलर ब्लाइंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर विजुअल इम्पार्टमेंट देर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु आर अनएबल टू सी तो बच्चों कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही नहीं देख पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि कभी एक्सीडेंट हो गया या कोई ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई कोई 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 डिजीज हो गई जिसकी वजह से भी हमारा विजन जो है वो ख़त्म हो जाता है देर आर विजअली चैलेंज ईदर बिकॉज दे आर बॉर्न ब्लाइंड और लॉस देयर विजन ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ ब्रेल तो ब्रेल क्या है बच्चों ब्रेल इज अस्टम स्पेशल सिस्टम यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाय द पीपल हुई है ना ऐसे लोग जो है ऐसे बच्चे जो है जो बिल्कुल देख नहीं सकते लेकिन फिर भी वो लर्न कर सकते हैं वो रीड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज इस लैंग्वेज की वजह से वो लिख भी सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रीड भी कर सकते हैं ब्रेल इज़ अ स्पेशल सिस्टम यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बाय पीपल हु हैव लॉस देयर विजन और आई हैव एक्सट्रीमली पुअर विजन ब्रेल वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल इसीलिए उनके नाम से ही इस लैंग्वेज को हमने ब्रेल बोला है ही ओरिजिनली डेवलप द स्क्रिप्ट इन इंग्लिश उन्होंने इसका डेवलपमेंट इंग्लिश में भी किया था लेकिन इंडिया में भारती ब्रेल इज ऑल्सो यूज ताकि ऐसे लोग जो है वो हिंदुस्तानी भाषा भी पढ़ सके टू एनेबल पीपल हुई इन देर नैक्यूलर लैंग्वेजेस टेकिंग केयर ऑफ आईज चिल्ड्रन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आईज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत ही प्रेशियस ऑर्गन है अगर हमारी आंखें ही स्वस्थ नहीं होंगी तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे है ना हम कुछ कर नहीं पाएंगे इसलिए हमें अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें इन्हें अच्छे से वॉश करना चाहिए क्लीन करना चाहिए जब भी हम कभी बाहर से आते हैं तो जो डस्ट है मिट्टी है आंखों में गिर जाती है तो उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आईज को वॉश करना चाहिए कभी भी अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी आंखों की जो नर्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं वॉश एंड क्लीन योर आईज़ विथ कोल्ड वाटर एटलीस्ट ट्वाइस डेली अवॉइड रीडिंग इन टू डिम लाइट और टू ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा रोशनी में या बहुत कम रोशनी में हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कभी भी लेट के नहीं पढ़ना चाहिए हमेशा टेबल चेयर का यूज़ करना चाहिए पढ़ने और लिखने के लिए डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल एज़ इट स्टेट्स द आइस सिमिलरली कभी आप बस से ट्रैवल कर रहे हो या कार से ट्रैवल कर रहे हो तो मूविंग वहीकल्स में कभी भी रीडिंग नहीं करनी चाहिए avoid looking directly at bright objects such as sun and wear sunglasses to protect your eyes from harmful sun rays rest your eyes frequently while working on computers or reading books जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो 5 मिनट का रेस्ट अपनी आंखों को जरूर दे नहीं तो हमारी आंखों पे बुरा असर पड़ सकता है prolonged reading or books or computer can harm your eyes

जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा हो जैसे कैरट्स है डेट्स है ऐसी चीज़ें हमें ज़्यादा खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी को विटामिन ए मिल सके ताकि हमारी आंखें जो है वो स्वस्थ रह सके लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रेन फिल इन द ब्लैंक्स द होल थ्रू विच लाइट एंटर्स द आइज कौन सा है वो होल इट इज़ कॉल्ड एज प्यूपल प्यूपल के थ्रू लाइट जो है वो हमारी आइज में एंटर करती है

Which is done to correct myopia and hypermetropia. Keywords and explanation, children Reflection, the returning of rays of light after striking a polished surface. Incident ray, the ray striking the surface. Reflected ray, the ray bouncing back from the surface. Lateral inversion, the phenomena of left appearing right and right appearing left on reflection in a mirror dispersion the phenomenon of splitting of white lights into seven different colors is called as dispersion real image the image that can be obtained on the screen virtual image the image that cannot be obtained on the screen myopia a condition where a person can see near objects clearly hypermetropia a condition where a person can see distant objects clearly but not the nearby objects have a look on exercise children first is tick the correct option the rays of light that falls on the reflecting surface is called incident ray angle between normal and the reflected ray is called angle of reflection splitting of white lights into seven colors is called dispersion the form of energy which give us the sensation of vision is light if the angle between mirror and incident ray is 45 angle of reflection will also be 45 fill in the blanks if you touch your left ear with your right hand in front of a plane mirror you will be seen in the mirror that your left ear is touched with right hand the spectrum of white light has seven colors the size of pupil becomes enlarged we get dash image when two plane mirrors are placed parallel to each other multiple images dash is the light sensitive region of the eyes it is the retina state true and false light travels in a straight line yes it is true a plane mirror always form virtual and erect image yes again true a rainbow is based on the phenomenon of reflection nahi refraction ki wajah se hota hai rainbow myopia can be corrected by using a concave lens again it is true image that can be obtained on the screen is called virtual image फॉल्स रियल इमेज जो होती है वही स्क्रीन पे ऑप्टेन हो सकती है विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर नाइसली चिल्ड्रन स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियो टिल देन गुड बाय